वेदिका ये ध्रुव प्लीज, जो रिश्ता रहा ही नहीं उस रिश्ते के भ्रम में हम क्यों रहे। ध्रुव, अब ये मजबूरी का बंधन मैं और सहन नहीं कर सकती। अब हम दोनों के लिए यही अच्छा है कि इस बेमायने रिश्ते से हम दोनों आजाद हो जाएं। वेदिका, हमारा रिश्ता बेमायने नहीं है और नहीं अपनी आखिरी। ध्रुव प्लीज, जो नाता दिल से टूट गया है उस रिश्ते को तोड़ देना ही बेहतर है। तोड़ देना ही बेहतर। वेदिका ने डिवोर्स पेपर्स दिए। तुमने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया वेदिका? तो और क्या करती मम्मा, मैं मजबूर थी। आज ध्रुव और मेरा एक रिश्ता है और उस रिश्ते पर पूरा विश्वास है उसे मम्मा, इसीलिए तो वो आज हमारे घर तक आ गया। अगर अपने बच्चे को मैं उसके सामने अपने सीने से लगा लेती तो आज हमेशा के लिए टूट जाती, कमजोर पड़ जाती। लेकिन तुमने तलाक की वजह क्या बताई? अडल्ट्री है? अडल्ट्री? हाँ। यही इल्जाम लगाया वेदिका ने मुझ पर कि एक पत्नी के होते हुए दूसरी औरत के साथ संबंध है मेरे। हाय हाय, कैसे दिल तोड़ के रख दिया हमारे बच्चे का। अगर ध्रुव का दिल नहीं तोड़ती तो ये रिश्ता कभी नहीं तोड़ पाती। ध्रुव के लिए मेरे दिल में जो प्यार है वो मुझे छुपाना ही पड़ेगा। माँ, मुझे पूरा विश्वास है कि वेदिका मुझसे कुछ छुपा रही है। मेरा दिल मुझसे बार बार कह रहा है कि वेदिका ये रिश्ता तोड़ना नहीं चाहती। हाँ, मेरा दिल नहीं मानता, लेकिन अपने दिल की परवाह नहीं है मुझे। मैं ध्रुव को इस तलाक के लिए किसी ना किसी तरह मना लूंगी। रुद्र, तुम आ गए? रुक जाओ कविता, कोई जरूरत नहीं इसका स्वागत करने की। क्या कह रहे हैं आप? ठीक कह रहा हूं, यह हमारा घर है, कोई होटल नहीं है कि जब जी चाहे आ गए जब जी चाहे चले गए। माँ बाप के दिल की, उनकी भावनाओं की कोई कदर ही नहीं। माँ की ममता से खिलवाड़ करता है, उससे ना सवाल पूछने के वादे लेता है। अब तुम वापस आए हो ना, मैं तुमसे पूछता हूं तुम गए क्यों थे यहां से? इसका कारण मैं बताती हूँ पापा जी। इस सारे दुख का कारण मेरी बहन नैना है। नैना रुद्र से प्यार करती थी। देखो, कच्ची उम्र की कच्ची अक्कल ने डेथ ही करा दी हमारे रुद्र की। हाँ डैड, इसमें रुद्र का कोई दोष नहीं। दोष तो हमारा है कि हमने नैना की बातों पर विश्वास किया और उसकी बातों पर विश्वास करके मैंने ही रुद्र को ये घर छोड़कर जाने के लिए कहा। हाँ पापा जी, मम्मी जी, रुद्र की चुप्पी ही उसकी बेगुनाही का सबूत है। आप लोगों की नजरों के सामने वो गिरना नहीं चाहता था। इसलिए आप लोगों की नजरों से दूर चला गया। पर अपनी माँ के दिल से दूर हो पाया था क्या तू? मुझे अपने बेटे की बेगुनाही पर तो पूरा भरोसा था, पर उसकी मजबूरी नहीं समझी। अब तो मैं अपने बेटे से मिल सकती हूँ ना? हे भगवान, ये कैसा खेल है तेरा? एक बेटे का घर फिर से बसने जा रहा है और दूसरे का दिल और घर दोनों टूट रहे हैं। जो रिश्ता रहा ही नहीं, उस रिश्ते के भ्रम में हम क्यों रहे? ध्रुव हमारे रिश्ता आखिरी सांस से ले रहा है। इस रिश्ते को खत्म कर देना ही हमारे लिए बेहतर है। खत्म कर देना ही हमारे लिए बेहतर है। खत्म कर देना ही हमारे। अब हम दोनों के लिए यही अच्छा है कि इस बेमायने रिश्ते से हम दोनों आजाद हो जाए। 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 जो नाता दिल से टूट गया है, उस रिश्ते को तोड़ देना ही बेहतर है। तोड़ देना ही बेहतर है। तोड़ देना ही वेदिका, आज तक मैंने वही किया है जो तुमने चाहा है। तुम्हारी हर बात को अपनी अच्छी किस्मत समझ के माना है, पर न जाने इसमें बदकिस्मती का दाग कैसे लग गया। वेदिका, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूं, और अगर तुम्हारी खुशी इसी में है कि ये रिश्ता टूट जाए तो ऐसा ही सही। मुझे माफ कर देना ध्रुव, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, अपनी जान से भी ज्यादा। मुझे माफ कर देना ध्रुव। मैं ये सब कभी नहीं चाहती थी, कभी नहीं चाहती थी। क्या करूं दीदी, सोच पीछा ही नहीं छटती। सोच सोच कर दिमाग की डेथ ही होती जा रही है। जब रिश्तों के रंग ही बदल जाएं, तो फिर इंसान क्या कर सकता है? तू क्या सोच रही थी तितली? वही रिश्तों के बदलते रंगों के बारे में सोच रही थी, पर कुछ ठीक से समझ में नहीं आ रहा। वेदिका और ध्रुव के रिश्ते की तो वेदिका की मेहरबानी की वजह से डेथ ही हो गई है, फिर वो घर से भी चली गई है। पर अलीशा तो इस घर में रह रही है ना, तो फिर वो। तितली, तुझे जो भी कहना है ना साफ साफ कह। दीदी देखो, वेदिका ने जिद की, हमने उसकी बात मानी, बच्चा इस घर में आ गया, अब तो हमारी जान से भी ज्यादा प्यारा है। फिर वेदिका खुद ही घर छोड़ के चली गई, और अब तो ध्रुव के साथ तलाक शलाक की भी बात करना चाहती है। पर अलीशा तो इस घर में रह रही है ना, मैं तो कहती हूँ 100 बारी रहे, पर किस हैसियत से? ध्रुव के बच्चे की माँ की हैसियत से या फिर? देखो दीदी, अलीशा इस घर में रहेगी तो लोग बातें करेंगे। मेरी सलाह मानो तो मैं कुछ कहूँ दीदी, अलीशा ध्रुव के बच्चे की माँ तो बनी चुकी है, क्यों ना उसे पूरी तरह से ध्रुव की जिंदगी में ले आए। उन दोनों के रिश्ते को कोई नाम भी मिल जाएगा और लोगों के मुंह पे ताले भी पड़ जाएंगे। हाँ तितली, मैं तेरी बात समझ रही हूँ, पर मानने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि वेदिका का सिर्फ इस घर में ही नहीं बल्कि हम सब लोगों के दिल में भी एक जगह है, और वो जगह कोई और ले नहीं सकता। और आज के बाद तू भी ऐसी उल्टी सीधी बातें अपने दिमाग से निकाल दे, अपनी उल्टी सीधी बातों को अलग रख और कभी ध्रुव की आंखों में झांक कर देख। तुझे उसकी आंखों में वेदिका का इंतजार नजर आएगा, और उसे ही नहीं, हम सबको भी वेदिका का इंतजार है। बेवकूफ लड़की निहारिका, इतनी गुस्से में क्यों? मामा, सब कुछ जानने के बावजूद आप मुझसे ये पूछ रही हैं? उसी दिन तो आपकी लाडली बेटी की करतूतों का रोना रोकर गई थी मैं। वेदिका, वेदिका, निहारिका, वेदिका घर पर नहीं है, उसे घर में घबराहट हो रही थी, इसलिए बाहर खुली हवा में गई है। ओह, क्यों? अब क्यों दम घुट रहा है उसका? शायद अब उसकी गलतियों का बोझ उसका दिल उठा नहीं पा रहा है। आपको पता है मामा, आज भी उस घर के हर एक इंसान की आंखों में एक ही सवाल कि वेदिका इतना बदल क्यों गई, और आज मैं इस सवाल का जवाब लिए बिना हरगिज यहाँ से नहीं जाऊंगी। अगर मैं मम्मी जी और ध्रुव की जगह होती तो मैं खुद वेदिका को उस घर से निकल जाने के लिए कहती। मामा समझाइए उसे, कुछ करिए, माँ होने का फर्ज निभाइए। जाकर कहिए उससे कि वो जाकर उस घर के लोगों से माफी मांगे, और ध्रुव के बच्चे पर जिसको वो नाजायज कहकर आई थी उसे अपनाए। मामा, आप खुद ही सोचिए, क्या मेरा दिल वेदिका की जगह किसी और को उसकी जगह लेते हुए देखकर चलता नहीं होगा? लेकिन उसकी जबान तो कुछ ज्यादा ही खुल गई है, बहुत तलाक की बातें करने लगी है वो। तो क्या गलत कर रही है वो? अगर अलीशा के बच्चे को उसने नाजायज कहा है तो इसमें गलत क्या है? अगर उसने अलीशा को घर छोड़कर जाने के लिए कहा है तो उसमें गलत क्या है? मामा, जिस इंसान को वो खुद अपने घर में लेकर आई है उसे वो निकलने के लिए कैसे कह सकती है? मैंने तो उसे पहले ही कहा था कि उसे त्याग देने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन महान बनने का नशा जब लत बन जाए तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता। मामा, जो बच्चा उसका सपना था, उसका जुनून था, वही आज ध्रुव के बाप की निशानी बन गया। समझाइए उसे, कुछ करिए आप। मामा वेदिका पहले से पागल हो गई। बस निहारिका बस, वेदिका पागल नहीं है, लेकिन पागल होने का डर उसके सर पर तलवार बनकर लटक रहा है। हमें जो हमेशा दिखाई देता है ना, वो सच नहीं होता। कई बार इंसान झूठ के पर्दे के आड़ में सच को छुपा लेता है, क्योंकि झूठ सच से कम जानलेवा होता है। मामा आप क्या कह रही? कैसा सच, कैसा धोखा, कैसा झूठ का पर्दा? मामा आप क्या कह रही? वेदिका जो कर रही है और जो उसने किया है, हमेशा की तरह अपने परिवार की खुशियों के लिए ही कर रही है। वो समझ गई थी कि चाहकर भी वो शायद उस बच्चे को मां की तरह ना पाल सके, इसलिए उसने सोचा कि उस मासूम को उसकी मां की गोद से अलग नहीं करना चाहिए। अब तू ही बता निहारिका, क्या गलत किया है वेदिका ने? उसे इल्जामों की नहीं, तुम्हारे सहारे की जरूरत है। मेरी बात मान। मामा, मैं वकील को डिवोर्स पेपर्स दे आई हूँ। मैंने वकील से कहा है कि वो ये केस जल्द से शुरू कर दे। मामा, आप रो क्यों रही हैं? ये आंसू वेदिका के दिए हुए हैं। उसने जो हमारे परिवार को और ध्रुव को आंसू दिए हैं, मैं उसके लिए उसे कभी माफ नहीं करूंगी। हमने उसे पहचानने में कितनी बड़ी गलती की है। देखिए ना, कैसे दिल तोड़कर डेथ करा गई है हमारी। दिल तो टूटना ही था, हमने ही उसे अपने दिलों में कुछ ज्यादा जगह दे दी थी। जो भी हो रहा है अब हमारी ही गलती की वजह से हो रहा है। नहीं मम्मी जी, जो कुछ भी हुआ और जो कुछ भी हो रहा है, उसे समझने में हमने गलती की। जिसे किस्मत पहले इतनी बड़ी सजा दे चुकी, उस पर हम रिश्ते और दिल तोड़ने का इल्जाम लगा रहे हैं। ये अन्याय है मम्मी जी, बहुत बड़ा अन्याय।